अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है CDP इस बाल मनोविज्ञान की श्रृंखला को आगे लेकर चल रहे हैं। आज की टॉपिक है अभिप्रेरणा, और देखिए आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जितने भी हैं चाइल्ड डेवलपमेंट संबंधित जितने भी वीडियो पड़े हैं, ये चाहे वो CTET एग्ज़ाम हो, चाहे UP TET हो, चाहे किसी भी राज्य का टेट हो, SuperTET एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको और भी बताएं कि ये DL EDजो छात्र कर रहे हैं या BTC, अब तो BTC है नहीं, उसी को DL EDबना दिया गया है, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, या चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको चाहे CTET हो, चाहे TET हो या SuperTET हो, किसी से भी रिलेटेड एग्ज़ाम अपडेट जो भी रहे वो आपको इस चैनल पर बराबर समय पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है अभिप्रेरणा। देखिए, पहला है अभिप्रेरणा में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। अभिप्रेरणा में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है, तो यहाँ मैं लिख उठा है, आप वे समझेंगे, प्रेरणा वे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये किसका कथन है? मैकडोगल का, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरण है। किसका कथन है? स्किनर का, ठीक है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड। अगला है, शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक, तो शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मार्गन, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने, ठीक है ना, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल, और शरीर क्रिया सिद्धांत मार्गन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, मास्लो के अनुसार अप्रेरणा के प्रकार हैं। मास्लो ने अप्रेरणा को 4 प्रकार में बताया है, एक तो जन्मजात, दूसरा अर्जित, तीसरा व्यक्तिगत, चौथा सामाजिक, ठीक है। मास्लो के अनुसार अप्रेरणा 4 प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात होती है, और दूसरी अर्जित, तीसरी व्यक्तिगत, चौथी सामाजिक। चलिए अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, तो ये आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। देखिए, मास्लो ने 4 बताया, वैसे अप्रेरणा 2 प्रकार की बताई गई अन्य शिक्षा विधियों के अनुसार, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा। चलिए आगे देखते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा को कहते हैं, मीन्स आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? सकारात्मक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक अप्रेरणा कहते हैं। अगला है, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? वाह अभिप्रेरणा के, वाह लिखा गया, वाह आप समझेंगे, वाह अभिप्रेरणा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है मोटम, MOTU या मोटम से हुई। अगला है, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, यहाँ लिख दिए, देखिए एक त्रुटि हो गई है, ये मारना लिख उठा है, तो इसे माना आप जानेंगे क्या है,
माना। क्या माना है? विषयी। अगला है जन्मजात प्रेरक है, तो जन्मजात प्रेरक क्या है? भूख। जन्मजात प्रेरक नहीं है मद व्यसन। अगला है यौन प्रेरणा का संबंध किस ग्रंथ के स्राव से होता है? तो जनन ग्रंथियों के स्राव से। ठीक है, अगला है अभिप्रेरणा अधिगम का है, तो अभिप्रेरणा जो है अधिगम का एक सहायक अंग है। अभिप्रेरणा अधिगम का एक सहायक अंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को कितने भागों में बांटा है? 14। माने मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ जो है 14 होती हैं, और उन्हीं की 14 की सूची आपके सामने है। देखिए, पहला है पलायन या भागना, और देखिए आगे जो लिखा है ये संवेग हैं। तो मूल प्रवृत्ति पलायन या भागना है, तो उसका संवेग क्या होता है? भय। दूसरा है युत्सा, युत्सा या युद्ध प्रवृत्ति, तो इसका संवेग क्या है? क्रोध। तीसरा है निर्वृत्ति या अप्रियता या विकर्षण, तो ये मूल प्रवृत्ति है निर्वृत्ति या अप्रियता या विकर्षण, इसका संवेग क्या है? घृणा। चौथा है, चौथी मूल प्रवृत्ति है मैकडूगल के अनुसार पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति, तो इससे संवेग क्या मिलता है? वात्सल्य। पांचवा है शरणागति या संवेदना, संवेग इसका है कष्ट। छठा है जिज्ञासा, संवेग है आश्चर्य, जिज्ञासा का संवेग आश्चर्य। सातवां है काम, जिसका संवेग है कामुकता। आठवां है आत्म स्थापना, श्रेष्ठता की भावना। नौवां है दैन्य या विनीत भाव, इसका संवेग है अधीनता की भावना। दसवां है सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति, इसका संवेग है एकाकीपन। और ग्यारहवां है भोजनान वेषण, इसका संवेग है भूख। और बारहवां है संग्रह या संचय, इसका संवेग है अधिकार भावना। और तेरहवां है रचना, तो इसका संवेग है रचना की अनुभूति। चौदहवां है हास्य, इसका संवेग है आमोद। ठीक है, तो मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी, और उन 14 मूल प्रवृत्तियों में देखिए जो यहाँ हमने दिखाया है, एक तरफ मूल प्रवृत्ति है तो दूसरी तरफ देखिए संवेग है। पलायन भागना का संवेग भय है, युत्सा या युद्ध प्रवृत्ति का संवेग क्रोध है, निर्वृत्ति या प्रीता या विकर्षण का संवेग घृणा है, पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति का संवेग वात्सल्य है, शरणागति या संवेदना का संवेग जो है कष्ट है, जिज्ञासा का संवेग आश्चर्य, काम का संवेग कामुकता, आत्मस्थापना का संवेग श्रेष्ठता की भावना, दैन्य या विनीत भाव का संवेग अधीनता की भावना, सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति का संवेग एकाकीपन, भोजनावेश का संवेग जो है भूख, संग्रह या संचय का संवेग अधिकार भावना, और रचना का संवेग रचना की अनुभूति, हास्य का संवेग आमोद। ठीक है, तो ये कुल 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताया मैकडूगल ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है या मूल प्रवृत्तियों को कितने में बांटा है, तो 14 याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है कि मूल प्रवृत्ति या संवेग का संबंध है। मूल प्रवृत्ति
देखिए मूल प्रवृत्ति को ही संवेग कहते हैं। मूल प्रवृत्ति या संवेग का संबंध जो है भावना से, किससे है, भावना से। अगला है नकारात्मक संवेग है, तो नकारात्मक संवेग किससे होते हैं, घृणा से नकारात्मकता आती, भय से और क्रोध से, ठीक है। अगला है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है, तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कब होता है, 5 वर्ष में लगभग हो जाता है। अगला है सरणागति है, तो सरणागति क्या है, मूल प्रवृत्ति। पलायन है, ये भी मूल प्रवृत्ति है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बालिका में पिता के प्रति लगाव ज़्यादा होता है, क्यों होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। अगला है बालक का माता के प्रति लगाव ज़्यादा होता है, ऑडिपस ग्रंथि के कारण। वैसे भी आप जानिए विपरीत लिंग के बीच खिंचाव या आकर्षण होता है, लेकिन यहाँ आपको मनोवैज्ञानिकों ने जो बताया है, मैंने शिक्षाविदियों ने, उसके बेस पर आपको लिखना है कि बालिका पिता के प्रति लगाव रखती है, क्यों रखती है, इलेक्ट्रा ग्रंथ के कारण, और बालक माता के प्रति लगाव रखता है, क्यों रखता है, ऑडिपस ग्रंथ के कारण, ठीक है। अगला है किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है, ये कथन किसका है, ये कथन है कोल एवं ब्रूस का। किसका कथन है, कोल एवं ब्रूस का कथन है, ठीक है ना। तो जो इम्पोर्टेंट आज की टॉपिक का था वो यही था कि मूल प्रवृत्ति या संवेग का संबंध भावना, नकारात्मक संवेग घृणा भय क्रोध, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कब होता है, 5 वर्ष में, सरणागति या पलायन क्या है, मूल प्रवृत्ति है, बालिका में पिता के प्रति लगाव ज़्यादा होता है, क्यों होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथ के कारण, बालक का माता के प्रति लगाव ज़्यादा होता है, क्यों होता है, ऑडिपस ग्रंथ के कारण, और कोल एवं ब्रूस का कथन है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आज हम लोग, आज की टॉपिक अब प्रेरणा थी, बहुत लेंथी टॉपिक नहीं थी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही मैकडूगल का है कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को कितने भागों में वर्णन किया और उन्होंने क्या संवेग दिए, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात और बता दें, जैसे ही देखिए आपका ये पूरा बाल मनोविज्ञान समाप्त होगा तो आपको पूरा नोट्स का PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हम बाद में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। अभी पूरा नोट्स पूरा चूँकि कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए पूरा नोट्स अभी नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको इसके जो पीछे वीडियो पड़े हुए हैं उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप पिछले वीडियो भी आसानी से देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, और इतना ही कहना है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको चाहे CTET हो चाहे TET हो, सभी से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी, जो भी न्यूज़ अपडेट होगी वो आपको समय समय पर मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।